प्रेरणाएं दी है, तो मंचासीन और पधारे हुए सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई जी, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के। आप कलोल से हैं और आप बहुत अच्छे ट्रेनर के रूप में वर्तमान समय कृषि एवं ग्राम विकास विभाग के जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग में योगदान देते हैं। पहले भी आप किसानों से एज ए ट्रेनर जुड़े रहे, यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और वर्तमान समय पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। तो जिग्नेश भाई जी का सुरेश भाई दो शब्द सुनाएंगे। आप FPO के साथ संयोजन का बहुत सुंदर कार्य करते हैं भ्राता सुरेश जी, पहले अपनी दो शब्दों में शुभकामनाएं देंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रविष्ट स्थान में जो ग्रास रूट लेवल पे जो ट्रेनर्स भाई बहन है, इसका एक नया प्रकल्प में, एक नया परिवेश में, फील्ड में जाके कृषि को डेवलपमेंट करने की है, खास तौर पे नेचुरल फार्मिंग पे योगी कृषि से ऐसा डेवलपमेंट का एक जो प्रोग्राम की शुरुआत का आज दिन में शुभ दिन में यहाँ मिले हैं दीदी सल्ला दीदी जी, टिमलिया साहब, सभी मंचस्थ महानुभाव और ट्रेनर्स भाई बहन, सभी वक्ताओं ने दिल से हर सेक्टर में डीप में जाके बहुत ज्ञान दिया है, सारा आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद को हम अपने रूट में जाके, फील्ड में जाके, ग्रास रूट लेवल के जो गरीब और बिछड़े हुए किसानों को डेवलपमेंट का करने का अपना जो रोल है, ये रोल में रोड मैप के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस प्रोग्राम के ओपनिंग सेशन में सभी महानुभवों से बहुत सारा मार्गदर्शन मिला है, नेचुरल फार्मिंग के साथ योगी कृषि के साथ एक नया कंसेप्ट दिया। टेमड़िया साहब ने बताया था कि FPO के बारे में अभी वो भोजन के बाद हम मिलेंगे, पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा कि FPO क्या है, FPO का इम्पोर्टेंट क्या है, क्या बेनिफिट है, FPO का गठन कैसा बनाने का है, FPO का मैनेजमेंट और FPO की अकाउंटेबिलिटी क्या है, FPO में जो किसानों से मेंबर बनते हैं मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको अच्छी तरह से जोड़ने का कोशिश करेंगे। और मोस्ट ऑफ जो बोलती है कि यहाँ प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये 60% तो बहनों का है, तो यही कृषि में बहनों को महिलाओं को शामिल करने के लिए जो रोल है, तो FPO में भी अभी हम सोचते हैं कि टिम्बड़िया साहब का एक स्वप्न है कि महिलाओं का एक FPO भी बने, हो सकता है। तो ऐसी डिटेल एक भोजन के बाद लंबी सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो बाद में सभी को ये प्रोग्राम की शुभकामना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम का भी अभी हो गया है, तो बाद में मिलेंगे। तो सभी मंचस्थ महानुभावों को, गाइडलाइन को, सरला दीदी को, सभी को मैं वंदन करके अभी मैं मेरा शुभकामना के लिए आपको टारगेट के लिए आगे बढ़ने का मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सुरेश जी, आपके शुभकामनाएं हमें जरूर बहुत अच्छा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। और अभी जिग्नेश भाई से पुनः निवेदन है कि सभी